हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ऑफ़ हमदान फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू यूज गूगल मीट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेबिनार इन सब में हम गूगल मीट का किस तरह से यूज कर सकते हैं इस वीडियो में इसके बारे में समझेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे आइए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं गूगल मीट यूज़ करने के लिए हमारे पास एक जी का अकाउंट होना चाहिए जी के अकाउंट दो तरह के होते हैं एक फ्री वर्जन में होता है और एक पेड में फ्री वर्जन आपने देखे होंगे जो अकाउंट होते हैं ए बी सी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ये फ्री वर्जन अकाउंट होते हैं जो कि सबके पास होते हैं एक होता है पेड अकाउंट जिसको जी स्वीट अकाउंट बोलते हैं और इसको इस अकाउंट का एज ए इंस्टीट्यूशनल ई मेल में कोई यूनिवर्सिटी यूज कर रहा है या कोई स्कूल कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी है वो भी इसका यूज कर सकती है और इसमें ई मेल में ई मेल द रेट उसके बाद उस कंपनी का डोमेन लगा होता है डोमेन नेम जो भी होता है वो रखते हैं लेकिन वो लॉग इन जी मेल पर ही होते हैं तो ये पेड अकाउंट होते हैं और ऐट द रेट जी मेल लगा होता है जो फ्री वाले अकाउंट होते हैं तो फ्रेंड जब हमको मीटिंग ज्वाइन करनी होती है तो हम ऐट द रेट जी मेल अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं यानी कि फ्री वाले अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं जब हमको इसमें मीटिंग क्रिएट करनी होती है तो हमको पेड अकाउंट चाहिए यानी कि जी सी अकाउंट चाहिए हमें मीटिंग होस्ट करनी है कोई वेबिनार क्रिएट करना है या किसी को पढ़ाना है तो मुझे इवेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे पेड अकाउंट होना चाहिए एक तरफ़ यानी कि टीचर के पास बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब के पास जी अकाउंट होगा तो उसके थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं उनका कोई चार्जेज नहीं होता फ्री अकाउंट के थ्रू और इसमें नंबर ऑफ टू स्टूडेंट एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं पार्टिसिपेंट 250 पार्टिसिपेंट एक साथ इसको यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आइए गूगल मीट स्टार्ट करते हैं ब्राउज़र पर जाएंगे यहाँ लिखेंगे मीट डॉट गूगल डॉट कॉम जैसे ही इसको लिख कर एंटर मारेंगे हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ साइड में साइन इन दे रहा है अगर मुझको मीटिंग ओनली ज्वाइन करना है तो मैं ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम जो अकाउंट है मेरा इसके साथ साइन इन करके मैं मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मुझे मीटिंग क्रिएट करनी है एज ए टीचर या एज ए होस्ट हूँ मैं मीटिंग का मुझे क्रिएट करनी है तो ऐट द रेट जी मेल के बजाय कुछ और आपको नज़र आएगा वहाँ पर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ई मेल होगा उसका लगा होगा लास्ट में ऐट द रेट ई डी यू ए सी डॉट इन या डॉट कॉम कुछ भी लिखा हो सकता है ऐट द रेट जी मेल नहीं नज़र आएगा आपको पेड अकाउंट फ्रेंड्स मीटिंग क्रिएट दो तरह से हम करते हैं एक तो मीटिंग क्रिएट क्रिएट करके हम शेड्यूल कर देते हैं उसको दो दिन बाद में हमें मीटिंग करनी है उसको पहले से शेड्यूल कर लेते हैं और एक क्रिएट करना होता है हमें अभी राइट नाउ मीटिंग अटेंड करना है स्टूडेंट को कराना है कुछ पढ़ाना है अभी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो उसको क्रिएट कर दें तो पहले देखते हैं फ्रेंड हम इस अकाउंट के अपने पेड अकाउंट के साथ साइन इन कर लेते हैं ये हमने इसके साथ साइन इन कर लिया साइन इन करने के बाद हम जी मेल पर जाएंगे जी मेल पर आपने देखा होगा फ्रेंड्स राइट पे कैलेंडर का ऑप्शन आता है वहां से हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे पहले जी मेल खोल लेते हैं कैलेंडर में आके हम अपने कैलेंडर का व्यू यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं वीकली मंथली जैसे चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मैं मंथली रखा है मैंने लेफ्ट पे देखेंगे एक प्लस का आइकन मिलेगा यहाँ क्रिएट लिखा होगा क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल करने के लिए चाहे हमें शेड्यूल करनी हो मीटिंग या अभी करनी हो करेंट मीटिंग क्रिएट करनी है वो दोनों हम यहीं से क्रिएट करेंगे तो पहले शेड्यूल वाली मीटिंग का हम टाइटल डाल देते हैं ये हमने ये दा, टाइटल डाल दिया और इसको तीस अप्रैल में हमको करनी है मीटिंग को तीस अप्रैल लिख दिया हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं हम तीस अप्रैल को किस टाइम करना है हमको चार से पाँच हमें तीस अप्रैल में मीटिंग ये करनी है यहाँ से हम होस्ट एड करेंगे जिनके साथ हम मीटिंग करेंगे वो वन टू थ्री एड यहाँ से कर लेंगे हम एक को हम करके दिखा देते हैं एक एड कर दिया हमने नीचे हमें लोकेशन का ऑप्शन होगा यहाँ एड लोकेशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन लिख सकते हैं टेस्टिंग रूम जो भी आपकी लोकेशन होगी आपकी बिल्डिंग में लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे गूगल मीट एप्लीकेशन आ जाएगा उसके नीचे आपको मीटिंग आईडी नज़र आएगी यहाँ पर आएंगे हम ऐड डिस्क्रिप्शन ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ मीटिंग आईडी के नीचे लिखा हुआ है अप टू टू फिफ्टी पार्टिसपेंट यानी एक साथ जो कि मैंने अभी बताया था टू फिफ्टी पार्टिसिपेंट आप ऐड कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं यहाँ मीटिंग का हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको डालना होगा ये सब करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे सेव करेंगे जैसे ही जो हमने गेस्ट एक ऐड किया था उसके लिए पूछ रहा है उसको नोटिफिकेशन भेजना है सेंड करना है कि नहीं तो हमें उसको सेंड कर देते हैं ये मीटिंग हमारी सेव हो गई और एक जो हमने अपना गेस्ट ऐड किया था उसको नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा मैंने जो एक गेस्ट ऐड किया था आप अपने पूरे आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी दस बीस जो भी आप ऐड कर सकते हैं और एक साथ सबको नोटिफिकेशन चले जाएंगे ये तो रहा हमारा जब हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं ये हमारी मीटिंग शेड्यूलिंग हो गया दूसरा एक करेंट मीटिंग हम क्रिएट करते हैं जो कि अभी करना है हमको उसके लिए हम फिर वापस प्लस पे जाएंगे क्रिएट करेंगे टॉपिक डालेंगे यहाँ लिख देंगे मीटिंग नाउ और उसका डेट हम यही रखते हैं आज का टाइमिंग डाल देते हैं एक तीस से दो तीस टाइमिंग डाल दिया ये सब हमने ऐड करके अभी बता दिया है आपको गेस्ट करना गेस्ट ऐड करना लोकेशन डिस्क्रिप्शन सब बता दिया तो इसको हम डायरेक्ट सेव कर देते हैं सेव करने के बाद वापस हम गूगल मीट के पेज पे आ जाते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे जॉइन और स्टार्ट मीटिंग अगर हमको ज्वाइन करना है तो भी यहीं आना है स्टार्ट करना है मीटिंग को तो भी यहीं आना है तो जो मीटिंग का टाइटल करेंट वाली मीटिंग का जो टाइटल था टेस्ट मीटिंग नाउ तो वो हम लिख लेते हैं लिखकर हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये यहाँ कुछ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे यहाँ से हम अपना माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं ये इस तरह से वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से और उसके बाद राइट में देखेंगे तो मीटिंग का टाइटल नजर आएगा हमें और जॉइन नाउ एनी प्रेजेंट ये स्क्रीन शेयर के लिए होता है ये बाद में करेंगे पहले जॉइन नाउ मीटिंग हम ज्वाइन कर लेते हैं ये हमारी मीटिंग डिटेल दिखा रहा है जो हमने ज्वाइन की है कैंसिल कर देते हैं इसको ये मीटिंग हमने ज्वाइन की है हम ज्वाइन जैसे ही कर लेंगे एज ए होस्ट या एज ए टीचर मैंने जो अभी मेरी मीटिंग क्रिएट की है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है लेफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ मीटिंग टाइटल होगा और उसकी डिटेल मिलेगी आपको ये मेरी मीटिंग आईडी है इसके थ्रू यूजर हमारी मीटिंग को ज्वाइन करेगा हमें ये मीटिंग आईडी डी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन में जो दी है वो यूजर तक पहुँचानी होती है चाहे वो ई के थ्रू जाए व्हाट्सअप पर जाए स्क्राइप पर जाए टेक्स्ट मैसेज जैसे भी जाए आप उसको पहुँचाएंगे इधर आएंगे पहला ऑप्शन है माइक ऑन ऑफ का होता है यहाँ से माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर ये बीच में क्लिक कर देंगे तो एंड मीटिंग हो जाएगी लीव मीटिंग कैंसिल हो जाएगी इधर देखेंगे कैमरे का है यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से हम कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं और आगे आएंगे तो ये प्रजेंट नाउ यहाँ स्क्रीन शेयर का होता है पूछेगा और एंटायर स्क्रीन या विंडो नी कोई विंडो पर्टिकुलर इस शेयर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के साथ गेस्ट के साथ पार्टिसिपेंट के साथ या पूरी स्क्रीन तो वो यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पीपल्स होंगे यहाँ से हम ऐड करेंगे किस किस को इस मीटिंग में अभी इन्वाइट करना है इन्वाइट दो तरीके से करते हैं एक तो ई के थ्रू एक कॉल के थ्रू कॉल पर करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और ई से करना है तो यहाँ ई मेल मैं ई डाल लेता हूँ यहाँ ईमेल डालने के बाद आप सेंड इनवाइट सेंड कर दिया और ये हमारा इनविटेशन यूजर तक पहुंच गया होगा अब पेपेल के बराबर चैट का ऑप्शन है यहाँ से हम जो हमारे स्टूडेंट या हमारे पार्टिसिपेंट जो आएंगे यहाँ नीचे तक वन टू थ्री जितनों को हमने इनवाइट करेंगे वो सब आ जाएंगे और उनसे हम यहाँ से चैट कर सकते हैं कुछ भी लिख के कुछ पूछना है उनको कुछ समझाना है तो वहाँ लिख के हम उनसे लाइव बात कर सकते हैं अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने मोबाइल पर यानी कि एज ए स्टूडेंट या एज ए पार्टिसिपेंट कैसे वो ज्वाइन करेगा मोबाइल पे तो हम मोबाइल पे इसको समझते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ सर्च ऑप्शन में लिखेंगे गूगल मीट गूगल मीट सेलेक्ट कर लिया हमने ये हमें ऑप्शन देगा इंस्टॉल करना यहाँ से हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये गूगल मीट की इंस्टॉलेशन चालू है पहले डाउनलोड करेगा उसको फिर इंस्टॉल करेगा डाउनलोड हो गया अब इंस्टॉलेशन चालू है इसकी ये आप देख रहे हैं गोला घूम रहा है इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे ओपन कर लेंगे जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा टर्म्स ऑफ सर्विस बताएगा पॉलिसी बताएगा हम इसको पढ़ने के बाद इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से अलाउ करेंगे यहाँ सेटिंग में अगर कोई हमारी पॉलिसी लगी है तो हम यहाँ एप्लीकेशन में जाके सेट कर सकते हैं अब जो कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने जब मीटिंग ज्वाइन करनी होती है तो हम किसी भी जी अकाउंट के साथ साइन इन कर सकते हैं तो मैंने जी मेल का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया साइन इन कर लिया इसके साथ वोट पे जाऊंगा अभी ये माइक ऑन कर देता हूं मैं मेरा बंद था यहाँ से कैमरा भी ऑन माइक्रोफोन भी ऑन ये देखेंगे स्क्रीन पे एरर हट गया अब मैं यहाँ से एंटर ए एं मीटिंग कोड यहाँ मीटर मीटिंग कोड डालूँगा और मीटिंग को ज्वाइन कर लूँगा एज ए पार्टिसिपेंट एज ए स्टूडेंट वो कोड मेरे मेल पे आया है तो मैं अपना मेल खोल लेता हूँ ये मेरा मेल आया है मेल खोलूँगा तो नीचे दिखेगा मुझे ज्वाइन मीटिंग और उसके नीचे कोड भी लिखा हुआ है तो मैं ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करूँगा जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा ये पूछेगा आप किसके साथ ओपन करना चाहते हैं ओपन पे तो गूगल मीट के साथ में इसे लिंक को ओपन कर लेता हूँ आप यहाँ से ओपन ओपिनित कर लें या इस लिंक को कॉपी करके आप डायरेक्ट जाके पेस्ट करें तो भी अब मुझे क्लिक करना होगा मीटिंग ये मेरी मीटिंग ज्वाइन हो गई ज्वाइन मीटिंग होते ही देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा मोबाइल आ गया अब यहाँ पर मैं अपने यूजर को स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, शेयर स्क्रीन शेयर करूंगा स्क्रीन शेयर पे जाऊंगा एंड टाइप पर जाऊंगा सेलेक्ट स्क्रीन शेयर कर दूंगा मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई आप देख रहे होंगे जो एज ए पार्टिसिपेंट लॉगिन हुए मोबाइल पे वहाँ स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है अब मैं जाऊंगा यहाँ से कुछ चेंज करूंगा तो उधर आपको दिखेगा है एज ए टीचर एज ए होस्ट मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो एज ए स्टूडेंट एज ए पार्टिसिपेंट मेरे मोबाइल पे शो हो रहा है यहाँ से मैं भी एक वीडियो चलाता हूँ देखिए ये वीडियो मेरे स्टूडेंट को भी चलती हुई है वहाँ दिख रही है यानी मेरा पार्टिसिपेंट है उसको दिख रही है तो वीडियो के थ्रू मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ समझा सकता हूँ या कोई डॉक फाइल है मेरी ओपन कर लेता हूँ कुछ भी डॉक फाइल ओपन करके या मुझे किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ाना है तो वहाँ यहाँ के मैं सेलेक्ट करके उसको तो मेन स्क्रीन आ गई मैं यहाँ कोई डॉक फाइल पे ले लेता हूँ टेक्स्ट फाइल ले ली मैंने इसमें कुछ लिख के दिखाऊंगा तो भी स्टूडेंट को मिलेगा हेलो आप एज ए टीचर में लिख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट आपको दिख रहा है यानी कि एज ए होस्ट लिख रहा हूँ एज ए पार्टिसिपेंट आपको दिख रहा है तो यहाँ से ये तो स्क्रीन शेयर का फीचर होता है इस तरह हम शेयर स्क्रीन करके ये एक पार्टिसिपेंट को दिख रहा है अगर आपके ढाई सौ लॉग इन है यानी ढाई सौ ने ज्वाइन किया है तो ढाई सौ को अभी सेम स्क्रीन दिखेगी हम स्क्रीन शेयर बंद कर देते हैं शेयरिंग जो है बंद कर दिया वापस अपने मेन स्क्रीन पे आ गए अब स्टूडेंट से कुछ लाइव चैट करना है तो यहाँ से लिखेंगे हम हाय हाय स्टूडेंट लिखा हमने और ये देखिए मुझे नोटिफिकेशन मोबाइल पे मिल गया यहाँ जाऊँगा ये मुझे लिखा है हाई स्टूडेंट तो स्टूडेंट जो है आप जवाब दे देगा स्टूडेंट ने जवाब दिया मुझे हेलो सर तो वो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने स्टूडेंट लिखा हाई स्टूडेंट स्टूडेंट को देखा स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया हेलो सर वो मेरी स्क्रीन पर देखा तो इस तरह से हम लाइव चैट भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट अपने पार्टिसिपेंट के साथ समझा सकते हैं उसको उसको कुछ पूछना है या हमको कुछ उससे पूछना है तो उसको समझा सकते हैं तो इस तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या फिर वेबिनार में हम गूगल मीट का यूज कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग